नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं और मैं हूं आपके साथ रोहित वर्मा। बिहार में आज सुबह से ही सियासी गलियारे में जो गर्मी है वो तेज हो गई थी और हलचल राजद खेमे में काफ़ी तेज होती हुई नजर आई थी, क्योंकि जिस तरीके से राजद के कई बड़े नेताओं के घर पर आज सुबह से ही सीबीआई ने दबिश दे दिया था और सुबह से लेकर अब तक लगातार सीबीआई छापेमारी कर रही थी और पूरे चीज़ों को खंगाला जा रहा था, पूरे चीज़ों को निकाला जा रहा था कि आखिर नेताओं के पास क्या है, क्या कुछ मिलेगा। हालांकि अभी तक ये खबर नहीं आई है कि तमाम नेताओं के पास क्या मिला है, मगर अभी की सबसे बड़ी खबर हम आपको बता रहे हैं कि राजद के पूर्व MLC रहे सुबोध राय के घर पर अब रेड खत्म हो चुकी है। सीबीआई की जो टीम यहाँ पर पहुँची थी वो अब जा चुकी है। विजुअल में देख पा रहे हैं कि किस प्रकार से यहाँ पर पूरे सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम, जो CRPF के जवान हैं उनके साथ साथ पूरे जो CBI की टीम थी उनको सुबोध राय के आवास से, पटना वाले आवास से उन्हें बाहर निकाला गया और एक एक करके तमाम जो लोग हैं वो धीरे धीरे अब यहाँ से जा चुके हैं। अभी फ़िलहाल उनके जो समर्थक हैं, जो उनके लोग हैं, वो उनके आवास पर मौजूद है। हालांकि हमने उनसे बात की मगर वो कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं और हमने CBI की जो टीम वहाँ पर पहुँची थी, जो अधिकारी वहाँ पर पहुँचे थे, उनसे भी हमने बात की, वो भी कुछ भी कहने से इनकार कर रहे हैं। मगर बिहार के लिए बड़ी खबर है, क्योंकि जिस तरीके से आज सुबह से ही सबकी निगाहें यहाँ पर बनी हुई थी, खासकर राजधानी पटना में राजद के MLC सुनील सिंह के आवास पर छापेमारी की जा रही थी, लगातार उनके समर्थकों के द्वारा भी बाहर, उनके आवास के बाहर, उनके घर के बाहर किस तरीके से गुस्सा नज़र आ रहा था वो हम आपको दिखा रहे थे। और सुबोध राय के घर के बाहर भी लगातार जो समर्थक हैं उनके द्वारा गो बैक के नारे लगाए जा रहे थे। मगर अभी की सबसे बड़ी खबर ये है कि सुबोध राय, जो कि राजद के बड़े नेताओं में से एक जाने जाते हैं और राजद के पूर्व MLC भी रह चुके हैं, उनके घर पर अब CBI की रेड खत्म हो चुकी है। CBI क्या कुछ उनके आवास से मिली है अभी तक तो ये नहीं पता चल पाया। हालांकि ये धीरे धीरे बातें निकल कर सामने आएगी कि किस तरीके से वहाँ पर पूरी चीज़ें निकल कर सामने आई है। हमने वहाँ पर मौजूद लोगों से भी बात की मगर वो कुछ फ़िलहाल कहने से इनकार कर रहे हैं। अभी शायद कल पता लगेगा कि क्या कुछ उनके आवास से मिला है या फिर नहीं मिला है, क्योंकि लगातार जिस तरीके से आज सुबह से सबकी निगाहें RJD खेमे में बनी हुई थी, विधानसभा सत्र के पहले एक बड़ी खबर निकलकर सामने आई थी बिहार के लिए और कहीं ना कहीं RJD समर्थकों के लिए, क्योंकि जिस तरीके से तमाम बड़े नेता जो लालू परिवार के बेहद खास माने जाते हैं उनके घर पर CBI की दबिश आज सुबह से बनी हुई थी और अब CBI की रेड सुबोध राय, जो कि राजद के पूर्व MLC भी रह चुके हैं, उनके आवास से अब खत्म हो चुकी है। तो आप विजुअल में भी देख पा रहे होंगे किस तरीके से CBI की टीम यहाँ पर पहुँची थी और उनके समर्थकों के द्वारा लगातार गुस्सा जाहिर किया जा रहा था। हमने आपको सुबह से दिखाया कि तमाम जो RJD के नेता है, बड़े नेता है, जो लालू परिवार के बेहद करीबी माने जाते हैं, उनके घर पर किस तरीके से CBI की छापेमारी चल रही थी और अब सुबोध राय के घर से ये खबर आ रही है कि अब उनके घर पर रेड खत्म हो चुकी है, CBI की टीम अब जा चुकी है। बहरहाल इस खबर में बस इतना ही। अगर आप हमारे इस वीडियो को YouTube चैनल पर देख रहे हो YouTube चैनल को हमारे सब्सक्राइब करें, अगर आप हमारे इस वीडियो को हमारे Facebook पेज पर देख रहे हैं Facebook पेज को भी फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें। धन्यवाद।